फैराडे का प्रथम नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों के अंतर्गत फैराडे का प्रथम नियम इस प्रकार था। जब किसी विद्युत परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक परिपथ में विद्यमान रहता है जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ये फैराडे का प्रथम नियम था। इस नियम में फैराडे ने क्या बताया कि जो विद्युत वाहक बल है वो क्यों उत्पन्न होता है, क्यों प्रेरित होता है। यानी फैराडे का प्रथम नियम है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कारण बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फैराडे का प्रथम नियम क्या बताता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण को स्पष्ट करता है। तो क्यों उत्पन्न होता है कुंडली में विद्युत वाहक बल? हमने ये देखा था कि ये हमारी कुंडली थी जिसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा था और ये चुंबक है, ये मान लो N सिरा है, ये S सिरा है। फैराडे ने यह बताया कि जब हम इस चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं तो चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र संबद्ध होता है और चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं वो N से निकलती हैं और S सिरे पर जाकर समाप्त होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं N सिरे से निकलकर S सिरे पर जाकर खत्म होती हैं। जैसे जैसे इसको हम पास लाते हैं कुंडली के समीप जब ये आता है तो कुंडली से संबद्ध यानी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में की संख्या में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे हम इसको पास लाएंगे ज्यादा बल रेखाएं कुंडली से गुजरेंगी और जैसे जैसे हम इसको दूर ले जाएंगे कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कम होगी। यानी जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। तो जब हम इसको पास लाएंगे या दूर ले जाएंगे अर्थात चुंबक जब कुंडली के सापेक्ष गति करेगा तो कुंडली से संबद्ध चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होगा और इसी कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये फैराडे ने अपने प्रथम नियम में बताया कि विद्युत वाहक बल प्रेरित होने का कारण क्या है कि जब भी चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है तो कुंडली से संबद्ध चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। बहुत सिंपल है समझने में। मान लो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, जैसे जैसे हम इसको पास लाएंगे, मान लो पहले जैसे चार रेखाएं गुजर रही थी और पास हम लाए छह रेखाएं गुजरने लगी और पास हम लाए आठ रेखाएं गुजरने लगी तो फ्लक्स बढ़ा और जब हम इसे दूर ले जाएंगे तो शुरू में मान लो आठ रेखाएं गुजर रही थी फिर छह गुजरी, पांच चार तीन दो एक कम हुई या बढ़ी, कितनी थी कितनी नहीं थी हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। सबसे की पॉइंट क्या है कि समय के साथ फ्लक्स में परिवर्तन। जब भी समय के साथ इससे संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। ये फैराडे का प्रथम नियम था जो इसके कारण को बताता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण को बताता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण को। यह एक और बात स्पष्ट होनी चाहिए कि यदि कुंडली खुले परिपथ में हो, गैल्वेनोमीटर ना लगा हो मान लो, तो भी इससे कोई मतलब नहीं है गैल्वेनोमीटर है या नहीं है। कुंडली यदि इसके संपर्क में है और कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। हाँ, ये फायदा हो जाएगा कि यदि कुंडली बंद परिपथ में है तो इससे विद्युत धारा भी बहेगी, विद्युत धारा भी उत्पन्न होगी। तो विद्युत धारा केवल तभी बहेगी जब परिपथ बंद हो, यदि परिपथ खुला है तो विद्युत वाहक बल तो प्रेरित होगा लेकिन विद्युत धारा नहीं बहेगी क्योंकि विद्युत धारा को बहने के लिए एक क्लोज पाथ की आवश्यकता है, बंद पथ की आवश्यकता है। तो ये हमारा फैराडे का प्रथम नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण को बताता है और ये बताता है कि जब भी किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो
उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। साथ ही ये भी बताता है कि जब तक परिवर्तन होता है तभी तक ये विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और तभी तक उसमें उपस्थित रहेगा। जैसे ही परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होने का मतलब क्या है, फ्लक्स स्थायी हो गया, चुंबक स्थिर हो गया। जैसे ही चुंबक स्थिर हो जाएगा और फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, वैसे ही ईएमएफ जीरो हो जाएगा, विद्युत वाहक बल शून्य हो जाएगा। अब हम देखते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों के अंतर्गत दूसरा नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे के द्वितीय नियम का कथन इस प्रकार है, परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण उस परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। पहला नियम जहां विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कारण बताता है, वही दूसरा नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण में परिमाण को बताता है। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसके परिमाण को दर्शाता है। तो ये क्या कहता है कि परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण उस परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अर्थात यदि हम ये मान लें कि माना डेल्टा टी समय में फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो, तो ये नियम क्या कहता है, विद्युत वाहक बल का परिमाण उस परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन से व्यक्त करें यदि हम, तो ये समानुपाती होगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, फ्लक्स में परिवर्तन बटे समय। यदि समानुपात का चिन्ह हटाएं तो हमारे पास कोई नियतांक आ जाएगा के डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो ये फैराडे का द्वितीय नियम। जो भी मात्रक पद्धतियां हैं सब में हम चुनाव इस तरह से करते हैं कि के का मान हमेशा एक लिया जाता है। ये जो स्वेच्छ नियतांक है, जो अचर है, इसको एक माना जाता है। तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो गया हमारे पास, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, इस के को एक मानते ही। यदि हम इस डेल्टा टी को बहुत छोटा ले लें, यदि डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो, तो हम एप्सिलॉन को कैसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन विल बी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। और ये अवकलन की परिभाषा से हमारे पास फाई का टाइम के सापेक्ष अवकलज है, तो एप्सिलॉन विल बी डी फाई बाई डी टी। सो एप्सिलॉन विल बी डी फाई बाई डी टी, यानी किसी भी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर उस परिपथ से में उत्पन्न होने वाले प्रेरित होने वाले विद्युत चुंबकीय प्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण को दर्शाएगी, उसके परिमाण को व्यक्त करेगी। तो एप्सिलॉन इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ये फैराडे का द्वितीय नियम। तो यहां से दो बातें हमने बड़े अच्छे से गौर की। फैराडे का जो प्रथम नियम है वो बताता है कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके कारण को बताता है। और द्वितीय नियम फैराडे का है वो परिमाण बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, किसका, ईएमएफ, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रेरित होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण को बताता है। तो ये फैराडे के दोनों नियम। अब हम फैराडे ने जो प्रयोग किए और उनसे जो ढेर सारे निष्कर्ष निकाले, उनकी किस तरह से व्याख्या फैराडे ने अपने दोनों नियमों के आधार पर की, उसको देखें। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दोनों नियम हमने पढ़े। अब हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों के द्वारा प्रायोगिक प्रेक्षणों की व्याख्या करेंगे। फैराडे ने प्रयोग किए, उसके द्वारा बहुत सारे निष्कर्ष उसे प्राप्त हुए।
उन निष्कर्षों की व्याख्या उसने चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर की, और इसके लिए उसने दो नियम दिए जिन्हें फैराडे के प्रथम और द्वितीय नियम कहते हैं। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से उन प्रायोगिक प्रेक्षणों को, सभी प्रायोगिक प्रेक्षणों की व्याख्या फैराडे ने अपने नियमों के आधार पर की। वन बाय वन देखिए, पहला, इनको देखने से पहले एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं दोनों नियम क्या थे। पहला जो नियम था वो ये कहता था कि किसी भी कुंडली से संबद्ध चुंबक के फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल केवल तब तक उपस्थित रहता है जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ये नियम कारण बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल क्यों उत्पन्न होता है कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। दूसरा नियम ये बताता है कि किसी भी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण कुंडली से संबद्ध चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। परिवर्तन जितना तेजी से होगा विद्युत वाहक बल उतना ही ज्यादा प्रेरित होगा, और परिवर्तन जितना कम होगा उतना ही प्रेरित विद्युत वाहक बल कम उत्पन्न होगा। तो ये नियम, इसके आधार पे हम इन प्रेक्षणों की व्याख्या करें। पहला प्रेक्षण, विक्षेप केवल तब तक रहता है जब तक कि चुंबक गतिशील है। तो यहां हम देखें, ये हमारी कुंडली है और ये चुंबक है। जब चुंबक को हम पास लाते हैं तो जो बल रेखाएं हैं एस के ऊपर आके खत्म हो रही हैं, और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एन मान लें इधर, और ये हमारा एस, तो एन से निकलती हुई बल रेखाएं हमें इस प्रकार से दिखेंगी। यदि एस हम इधर लेते तो बल रेखाएं अंदर आती हुई होती। अब जैसे जैसे इसके पास आएगा चुंबक तो बल रेखाएं बढ़ेंगी, यानी संबद्ध चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होगा, लेकिन विक्षेप केवल तब तक रहता है जब चुंबक गतिशील। ये प्रेक्षण किया तो फैराडे का प्रथम नियम बिल्कुल साफ साफ कहता है कि जब तक परिवर्तन होगा तब तक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जैसे ही परिवर्तन नहीं होगा यानी चुंबक को यदि हम स्थिर कर देंगे तो इससे फ्लक्स जो संबद्ध है वो कांस्टेंट हो जाएगी। और फैराडे का जो द्वितीय नियम है एप्सिलॉन बराबर डी फाई बाई डी टी, टाइम के साथ जब चेंज ही नहीं होगा फ्लक्स में तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न नहीं होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर है पहला पॉइंट कि विक्षेप केवल तभी तक मिलेगा जब तक कि चुंबक गतिशील है, यानी दोनों के मध्य सापेक्ष गति है तभी तक विक्षेप होगा, क्योंकि जब तक सापेक्ष गति है तभी तक फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तभी तक एप्सिलॉन यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकंड, विक्षेप ध्रुव प्राबल्यता पर निर्भर, यानी चुंबक यदि चुंबक की ध्रुव प्राबल्यता यदि अधिक है यानी चुंबक ज्यादा शक्तिशाली है, तो निश्चित ही बात है चुंबक ज्यादा शक्तिशाली है तो चुंबक की बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी, और चुंबक की बल रेखाओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना फ्लक्स ज्यादा इससे संबद्ध होगा और उसमें परिवर्तन भी उतना ही ज्यादा होगा। एक शक्तिशाली चुंबक को जितना तेजी से पास लाएंगे ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं इससे गुजरेंगी, और जितना दूर ले जाएंगे तेजी से वो कम होंगी, और फ्लक्स में परिवर्तन जितना तेजी से होगा परिवर्तन की दर जितनी ज्यादा होगी उतना ही अधिक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उतना ही ज्यादा विक्षेप उत्पन्न होगा। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर है। तीसरा पॉइंट कहता है कि फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दें तो विक्षेप ज्यादा आता है। ये बात भी एकदम क्लियर है, यदि कुंडली में जितने ज्यादा फेरे होंगे तो उससे संबद्ध चुंबक के फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा, और जैसे ही चुंबक को पास लाएंगे फ्लक्स का अमाउंट बढ़ेगा तेजी से, और जैसे ही दूर ले जाएंगे उतना ही फ्लक्स का अमाउंट तेजी से कम होगा, यानी फ्लक्स में परिवर्तन अधिक होगा तेजी से होगा, और इसलिए एप्सिलॉन ज्यादा होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्यादा उत्पन्न होगा, और इसलिए विक्षेप जो है वो भी ज्यादा उत्पन्न होगा। तो फेरों की संख्या बढ़ेगी तो विक्षेप ज्यादा उत्पन्न होगा। नर्म लोहे की क्रोड यदि कुंडली के फेरों के मध्य रख दें तो भी विक्षेप ज्यादा उत्पन्न होता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण बड़ा क्लियर है कि जब नर्म लोहे की क्रोड इसके मध्य रख देंगे तो नर्म लोहा एक लो चुंबकीय पदार्थ है जो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी ओर आकर्षित करने के कारण बहुत ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं इसमें से होकर गुजरेंगी, फ्लक्स की मात्रा बढ़ेगी, और जैसे ही गति होगी तो बहुत ज्यादा फ्लक्स है
उसमें परिवर्तन भी उतना ही ज्यादा होगा, तेजी से होगा। जैसे पास लाएंगे ज्यादा परिवर्तन होगा और इसलिए विक्षेप बढ़ेगा। और विक्षेप जितना, विक्षेप समानुपाती किसके होता है? परिमाण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण जो प्रेरित विद्युतवाहक बल है उसके परिमाण के बराबर होता है। जितना ज्यादा ईएमएफ होगा उतना ज्यादा विक्षेप होगा। तो लौह चुंबकीय पदार्थ की एक जो नरम लोहे की क्रोड है उसको यदि हम रख दें तो ज्यादा फ्लक्स को वो आकर्षित करेगा, फ्लक्स ज्यादा संबद्ध होगा और उसमें परिवर्तन ज्यादा होगा, इसलिए प्रेरित विद्युतवाहक बल बढ़ेगा और इससे विक्षेप ज्यादा आएगा। तो ये दोनों चीजें क्लियर हैं। चौथा पॉइंट है गति बढ़ाने पर विक्षेप अधिक, यानी जितना तेजी से चुंबक पास आएगा, जितना तेजी से चुंबक पास आएगा या जितना तेजी से दूर जाएगा उतना तेजी से फ्लक्स बढ़ेगा। और दूसरे नियम की बात हम करें d∅dt, यहां एकदम क्लियर है, टाइम जितना कम होगा उतना इसका मान ज्यादा होगा। हम यदि इस रूप में लिख लें ∆∅ / ∆t, जितना टाइम कम होगा, टाइम कम कब होगा? जब गति बढ़ाएंगे, जितना तेज गति से चुंबक पास आएगा और जितना तेज गति से दूर जाएगा उतना टाइम कम लगेगा, तो ये भिन्न का मान बड़ा होगा, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्यादा उत्पन्न होगा और विक्षेप ज्यादा उत्पन्न होगा, बढ़ेगा। तो गति बढ़ाने पर विक्षेप ज्यादा उत्पन्न होगा, तो ये गति का। उसके बाद विक्षेप की दिशा, विक्षेप की दिशा निर्भर करती है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा पर। तो एक तो गति की दिशा पर डिपेंड कर रही है, गति की दिशा से क्या होगा, जब हम पास ला रहे हैं तो बल रेखाओं की संख्या बढ़ रही है, इंक्रीजिंग है फ्लक्स, इंक्रीजिंग है फ्लक्स, तो विक्षेप एक दिशा में आएगा। और जब दूर ले जा रहे हैं तो फ्लक्स डिक्रीजिंग है, इससे विक्षेप की दिशा बदल जाएगी। तो एक तो दिशा किस पे डिपेंड करती है, फ्लक्स इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। दूसरा ध्रुव की प्रकृति पे डिपेंड करती है, इस बात पे भी डिपेंड कर रही है कि बल रेखाओं की दिशा क्या है। यदि नॉर्थ पोल इसकी पास है, कुंडली की ओर है, तो बल रेखाएं क्या होंगी, चुंबक से निकलती हुई होंगी। और इसी की जगह यदि हम साउथ पोल को इसके पास लाएं तो बल रेखाएं चुंबक के अंदर प्रवेश कर रही होंगी। तो चुंबक के बल रेखाओं की दिशा बदलने पर भी विक्षेप की दिशा बदलती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जब हम लाएंगे पास में तो विक्षेप विपरीत दिशा में आएगा। तो विक्षेप की दिशा दो बातों पर निर्भर करती है कि फ्लक्स डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है और बल रेखाओं की दिशा कौन सी है। तो चाहे कोई सा ही ध्रुव हो, पास लाएंगे दूर ले जाएंगे तो विक्षेप की दिशा विपरीत आएगी। और यदि ध्रुव को प्रकृति यदि बदल दें, नॉर्थ पोल के बजाय साउथ पोल लाएंगे तो भी विक्षेप की दिशा विपरीत हो जाएगी। अगला पॉइंट है चाहे चुंबक चले या कुंडली विक्षेप उत्पन्न होगा। तो ये फैराडे के प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों से एकदम साफ स्पष्ट है कि विद्युत चुंबक के प्रेरण का कारण क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो चाहे चुंबक चले या कुंडली चले, फ्लक्स में तो परिवर्तन हो ही रहा है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि चुंबक चल रहा है या कुंडली चल रही है, हमें सब मतलब इस बात से है कि कुंडली से संबद्ध चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे चुंबक चले चाहे कुंडली चले, फ्लक्स चेंज हो रहा है इसका मतलब प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा। क्लियर है। और लास्ट पॉइंट है कि ईएमएफ प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, प्रेरित विद्युत वाहक बल। यहां हम देख रहे हैं कि कहीं प्रतिरोध से कोई लेना देना नहीं है, यानी कुंडली का प्रतिरोध कितना है इससे प्रेरित विद्युत वाहक बल इस पर डिपेंड नहीं करता। प्रेरित विद्युत वाहक बल तो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो रहा है। हाँ, विद्युत धारा जरूर प्रेरित प्रतिरोध पे निर्भर करती है, यदि कुंडली का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो परिपथ में जो धारा बहेगी वो कम हो जाएगी, और प्रतिरोध कम होने पर धारा ओम के नियम अनुसार एकदम क्लियर है ए इक्वल टू आर आई होगा। तो आर जब बढ़ेगा, ये तो फिक्स है, ये आर पे डिपेंड नहीं करेगा, आर जब बढ़ेगा तो आई कम हो जाएगी और आर जब कम होगा तो आई बढ़ जाएगी, तो इस पे डिपेंड नहीं करता। तो इस प्रकार से सारे के सारे प्रेक्षणों की व्याख्या फैराडे ने अपने विद्युत चुंबकीय
नियमों द्वारा अच्छे से की।